हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों, बात करते हैं, आज एक नोटिस बड़ा आपके लिए लेके आई है बीएड एग्जाम से लेकर आपके पास ऑफिशियल साइट के ऊपर। आज ही शाम को डेटशीट डाली है दोस्तों एमडी यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों, बात करते हैं उसके बारे में, आपको पूरा बताएंगे किस किस की फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या फिर आपके पास रीअपीयर वाले की डेट शीट आई है। दोस्तों, आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो बात करते हैं बीएड एग्जामिनेशन 2020 ऑफिशियल साइट के ऊपर। तो दोस्तों, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, बात करते हैं ये आपके पास, बात करते हैं एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक ने डेट शीट डाली है आज 19 तारीख को ही। तो आपके पास जुलाई में पेपर होगा आपका। टाइम टेबल आपके पास 2:30 बजे से लेकर आपके पास 5:30 बजे का टाइम टेबल है। ये आपके पास बीएड सेकंड ईयर रेगुलर और रीअपीयर की डेट शीट है दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं। 15 तारीख को आपके पास नॉलेज एंड सेरिकुलम का पेपर है दोस्तों। फिर आपके पास 17 तारीख को आपके पास पेपर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पेपर है दोस्तों। फिर 19 तारीख का आपके पास पेपर है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का पेपर है। फिर आपके पास बात आती है 21 का पेपर, आपके पास लैंग्वेज एक्रोस सेरिकुलम का पेपर है 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। फिर आपके पास 4 बजे फिर स्टार्ट हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का, आपके पास 4 बजे से 5:30 बजे तक 1.5 घंटे का आपके पास पेपर रहेगा। फिर आपके पास 23 तारीख का आपके पास पेपर है। देखो, इसमें काफी आपके पास दे रखे हैं, देख लो आप, 1, 2, 3, 4 और आपके पास 5 आपके पास पेपर दे रखे हैं दोस्तों 23 तारीख को। तो दोस्तों, ये आपके पास इसका यह डेट शीट आई थी आज की डेट में, आपके पास अभी शाम के टाइम आई थी दोस्तों, आपके साथ हमने शेयर करनी थी दोस्तों। अब बात करेंगे इससे जो नीचे आपके पास उसकी बात करेंगे दोस्तों, इससे आगे आपके पास जो भाई, आपके पास ये तो था बीएड सेकंड ईयर रेगुलर के लिए। तो दोस्तों, जो बंदे, जो बच्चे एमडी यूनिवर्सिटी के तहत बीएड कर रहे हैं, सेकंड ईयर में हैं, उनके लिए ये नोटिस आपके पास बहुत ही अहम है। रेगुलर और रीअपीयर वाले बच्चे के लिए नोटिस आपके पास बहुत ही खास है दोस्तों। तो दोस्तों, उन तक जरूर पहुंचाएं, ये बीएड आपके पास रेगुलर और रीअपीयर के लिए काफी फायदेमंद है दोस्तों। अपने डेट शीट देख लें, अपना पेपर देख लें और अपने डेट देख लें, और आपके पास सेंटर ऑफ एग्जाम आपके पास कहाँ रहेगा, जब आपके पास आप जहाँ जिस कॉलेज से कर रहे हैं बीएड वहाँ से आपने लेना पड़ेगा दोस्तों। तो जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ से आपका एग्जामिनेशन सेंटर जल्द ही आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आपके पास 15 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख और 23 तारीख जुलाई के मंथ की डेट शीट की आपके पास। अब बात करेंगे आपके पास इससे नेक्स्ट, ये तो आपके पास रेगुलर एंड रीअपीयर के बारे में। अब बात होती है दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, इससे नेक्स्ट आपके पास बीएड, आपके पास स्पेशल एजुकेशन बात कर रहे हैं रेगुलर और रीअपीयर की। अब की बार ये आपके पास 2:30 बजे से लेकर आपके पास 5:30 बजे तक आपके पास पेपर होगा दोस्तों। और ये आपके पास, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो दोस्तों इसमें आपके पास 15 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 21 तारीख और 23 तारीख आपके पास पेपर रहेगा दोस्तों। तो इसमें बात करेंगे, ये आपके पास स्पेशल एजुकेशन का है और वो आपके पास वैसे था रेगुलर एंड रीअपीयर का। दोस्तों, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके स्क्रीन के ऊपर, तो दोस्तों आप इजीली वैसे आप देख सकेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसको जूम कर दिया, तो आप देखें, पहला आपके पास 15 तारीख का पेपर आपके पास 2:30 बजे से 4:00 बजे तक आपके पास। ये आपके पास कोर्सेज है भाई, किस किस का पेपर कब है। तो दोस्तों, आपके पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, ये आपके पास 2:30 बजे से 4:00 बजे तक इसका पेपर दे रखा है, और पेपर आईडी और पेपर कोड दोनों दे रखे हैं। 2:30 बजे 5:30 बजे तक आपका क्या होगा, पेपर होगा, टाइम टेबल, टोटल टाइम टेबल है। फिर आपके पास गाइडेंस और काउंसलिंग का मैंने बताया 2:30 से 4:00 बजे तक। फिर आपके पास अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का आपके पास 2:30 से 4:00 बजे तक, जिसके पास ये कोर्स है। फिर आपके पास अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का आपके पास 2:30 से 4:30 बजे तक आपके पास। फिर आपके पास कम्युनिटी बेस आपके पास, फिर आपके पास अप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, फिर आपके पास जेंडर एंड डिसेबिलिटी, फिर आपके पास बात करती है इसमें ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी का आपके पास
चार बजे से साढ़े पाँच बजे तक रहेगा। फिर आपके पास इसी में है कम्युनिकेशन का, आपके पास चार बजे से साढ़े पाँच बजे तक रहेगा। फिर आपके पास इसमें है कम्युनिकेशन, आपके पास चार बजे से साढ़े पाँच बजे तक। फिर आपके पास नेक्स्ट है, तो दोस्तों आपके पास दो, आपके पास लास्ट में है कौन कौन से हैं, मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी का आपके पास पेपर, फिर आपके पास वोकल, आपके पास ट्रेनिंग एंड जॉब प्लेसमेंट का आपके पास पेपर है, जिनके आपके पास पेपर कोड और पेपर आईडी दोनों दे रखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं इससे आगे, ये तो था आपके पास 15 तारीख का, तो इससे नीचे बात करते हैं आपके पास, तो आप देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, तो देखिए इनको। अब बात कर रहे हैं 17 तारीख आपके पास तीन पेपर, आपके पास ये तीन दिखाए गए, इसमें एजुकेशनल इन्विटेशन एंड आपके पास टीचिंग के तहत आपके पास LI, LD और MR अलग अलग आपके पास कोड है दोस्तों इनके। फिर बात करते हैं आपके पास 19 तारीख का पेपर, आपके पास टेक्नोलॉजी एंड डिसेबिलिटी का, आपके पास HI, LD और LMR के तहत। फिर बात करते हैं आपके पास 21 तारीख का आपका पेपर रहेगा, आपके पास सोशल एंड फैमिली इश्यू का आपके पास HI का पेपर रहेगा। फिर ये आपके पास HI, LD, MR ये आपके पास स्पेशल आपके पास ये कोर्स है दोस्तों, तो दोस्तों उनकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर बात करते हैं आपके पास 23 तारीख का पेपर आपके पास रहेगा, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन का आपके पास पेपर रहेगा, जिसका टाइम आपके पास 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक जिसका टाइम है, और जिसका आपके पास पेपर कोड दे रखे हैं 17188 जिनके पेपर कोड दे रखे हैं। फिर आपके पास बात कर लेते हैं 23 तारीख को ही आपके पास सेकंड शिफ्ट में आपके पेपर होगा, बेसिक रिसर्च एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स का आपके पास पेपर रहेगा, 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका पेपर रहेगा, 17189 आपके पास इसके कोड है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके पास आज की डेट में आई हुई नोटिस थे। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने साथियों तक पहुंचाएं, जो MD यूनिवर्सिटी के तहत जो पेपर देंगे उन तक ये नोटिस पहुंचाएं। तो दोस्तों रेगुलर एंड रीअपियर की डेट शीट आज आई थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे साथ जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे दोस्तों। आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।